सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Hare Krishna. Hare Krishna, 3 years. 3 years. Which background are you from? Which country? Slovenia. Slovenia. So that would be Roman Catholic. So you're Roman Catholic. So you went from Roman Catholicism to Hare Krishna. What compelled you to take that step? Well, you know, I like good philosophy. I understand that God revealed himself in many scriptures through the ages, many prophets, right? So Jesus Christ is one of them, but I feel that Jesus Christ was misrepresented in the Catholic Church. Brahma, and you've made God to Krishna, and the Christians are doing the exact same thing. They made Christ Lord, and they made God as the one true that God. Is just an expression. But what it shows to Brahma, yeah. Like you say Hazrat Muhammad, you obey obeisances to Muhammad. But no, we don't know. Whoa, let's stop. No, no. दोस्तों, हमारे चार वेद और 108 उपनिषदों का जब कोई इंसान अपने सच्चे दिल और दिमाग से अध्ययन कर लेता है तो शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न बचे जिसका वो उत्तर ना दे पाए। इस बात का जीता जागता प्रमाण है चाणक्य से भी तेज ये स्लोवेनियन हिंदू सन्यासी, जो एक मुस्लिम प्रचारक के द्वारा पूछे गए ऐसे उलझा देने वाले प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से देकर सनातन धर्म को प्राउडली रिप्रेजेंट करता है। ये वीडियो है यूके के एक शहर की, जिसमें बेसिकली इस मुस्लिम प्रचारक का टारगेट होता है कि किसी भी प्रकार से इस स्लोवेनियन हिंदू सन्यासी की सनातन धर्म में आस्था कम करवा के इस्लाम को सही दिखाना। लेकिन बिल्कुल इसका विपरीत होता है, क्योंकि ये स्लोवेनियन हिंदू उल्टा इस मुस्लिम प्रचारक को ही संस्कृत में वेदों का ब्रह्म ज्ञान देकर चला जाता है। तो सबसे पहले होता कुछ ऐसा है कि सनातन के सुंदर संस्कारों को ध्यान में रखते हुए ये स्लोवेनियन हिंदू इस मुस्लिम को इसी की भाषा में रिस्पेक्ट करता है, जैसे आमतौर पर मुस्लिम आपस में मिलते टाइम करते हैं। और तभी ये मुस्लिम इस स्लोवेनियन हिंदू से पूछता है कि आप कौन से देश और किस बैकग्राउंड से हो, और ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपने अपने बैकग्राउंड को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। तो दोस्तों, इस पर ये स्लोवेनियन हिंदू बहुत ही उत्साह और गहराई के साथ कहता है कि क्रिश्चियंस वर्ल्ड में जीसस क्राइस्ट को बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए मैं क्रिश्चियनिटी से सेटिस्फाइड नहीं था और किसी सच्चे ज्ञान की तलाश में था, और तब मुझे सनातन के वेदों का सच्चा रास्ता मिला, जो आज से हजारों सालों पहले लिखे गए थे, जिनके ज्ञान से मुझे मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिले, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और जीसस क्राइस्ट ये बात खुद कहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, खुद भगवान नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण बिना किसी संदेह के शिवम को भगवान घोषित करते हैं, और वे कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही बसा हुआ है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है, और इसलिए आपके इस्लाम में अल्लाह भी क्राइस्ट की तरह ही है और वे भी भगवान के ही पुत्र हैं। लेकिन इस हिंदू सन्यासी की इस बात पर ये मुस्लिम प्रचारक कहता है कि अल्लाह क्राइस्ट की तरह नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते। Father, so you know, we understand that Krishna is the father of Jesus, and that Jesus is his son. Like we are all sons of God, so Jesus is also one of the sons. So what? So Allah is Christ, and Jesus of the Christ, Jesus son. So Allah is no, Allah is not Christ. तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। वृंदावन में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे और भव्य मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति में मंदिरों का अलग अलग उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए कश्मीर का शारदा पीठ मंदिर, ये मंदिर प्राचीन ज्ञान की आत्मा और कला और संस्कृति का केंद्र था, जबकि काशी, प्रयागराज, हरिद्वार और ऋषिकेश के मंदिर वैराग्य और योग साधना के लिए समर्पित हैं। इसके अलावा हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो अत्यधिक ऊर्जावान स्थान है, जो लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर और उन्नत करने में सहायता करते हैं, क्योंकि हमारी सनातन सभ्यता में मंदिर उच्च स्तरीय चेतना और ज्ञान से बनाए जाते हैं। यह केवल प्रार्थना करने की ही जगह नहीं, बल्कि हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान और अनुसंधान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, और मंदिरों की संरचना के लिए नियम अगम शास्त्र में मिलते हैं, और ये किताब मंदिर कला और वास्तुकला का खजाना भी है, जिसमें वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार मंदिरों का डिजाइन बताया गया है।
तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर बनाया जा रहा है वृंदावन में, जिसका नाम है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये जल्द ही दुनिया का सबसे ऊंचा हिंदू टेम्पल होगा, जो भक्ति और विश्वास का भव्य प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इसको सच करने के लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को बनाने में हमारी सहायता कीजिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस मंदिर के लिए डोनेट जरूर करें और उस लेगेसी का पार्ट बने जो टाइम से भी आगे चलती है। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि याद रखें, मंदिर केवल भक्ति और प्रार्थना का ही केंद्र नहीं, बल्कि हमेशा के लिए याद रखी जाने वाली हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी केंद्र है। आओ मिलके अपनी इस अनमोल हेरिटेज को बचाते हैं, एक मंदिर और बनाते हैं। तो दोस्तों, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के भव्य निर्माण के डोनेशन के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जितना आपसे होता है, आप उतना डोनेशन कर सकते हैं, यानी उतना दान कर सकते हैं, जिससे ये मंदिर जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये मुस्लिम प्रचारक इस हिंदू सन्यासी की सनातन से गहरी आस्था को तोड़ने के उद्देश्य से आया था, इसलिए ये एक के बाद एक उलझा देने वाले प्रश्न इस स्लोवेनियन हिंदू से पूछता रहता है, ताकि किसी भी तरीके से इनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था को कम करवाया जा सके। और जब ये मुस्लिम भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न करता है, तो तब ये स्लोवेनियन हिंदू श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को संस्कृत भाषा में याद करते हुए बोलता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नेति माम एति सो अर्जुन। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को ही प्राप्त करता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यानी कि जब ये स्लोवेनियन हिंदू इस मुस्लिम प्रचारक के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से देकर सनातन धर्म की महानता का गुणगान करता है, तब ये मुस्लिम बौखला कर इनसे कहता है कि आपने क्रिश्चियनिटी से भागकर सनातन धर्म अपनाया है, जो बिल्कुल आपके पिछले बैकग्राउंड यानी कि क्रिश्चियनिटी के ही समान है। और इसके बाद ये स्लोवेनियन हिंदू फिर से एक संस्कृत श्लोक को बोलकर कहता है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानंद विग्रह अनादि शादी गोविंदः सर्व कारण कारणम ब्रह्मा संहिता। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है तथा सचिदानंद है, वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि नादि गोविंद सर्व कारण कृष्ण, you are the supreme controller, you are the cause of all causes, sarva karanam karanam, and you are sachidananda vigraha, you are in a form, vigraha means form, इसके बाद दोस्तों, ये मुस्लिम प्रचारक समझ जाता है कि उसका पाला किसी आम हिंदू से नहीं पड़ा है, बल्कि जिसे वो इस्लाम से प्रभावित करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, वो सनातन के वेदों का ज्ञाता है और संस्कृत भी जानता है। तो दोस्तों, ये था इस चाणक्य से भी तेज हिंदू सन्यासी का ब्रह्म ज्ञान, जिससे इन्होंने यूके में भी एक मुस्लिम प्रीचर को बिना किसी हेट स्पीच के हरा दिया और प्राउडली सनातन को रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के लिए डोनेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। डोनेट करने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है, तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।